वी आर बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एलिमिनेशन चेंबर वीडियो में। आज हमको जीतना ही है भाई, आज तो जीतना है, मतलब जीतना है। अरे नॉर्मल मैच नहीं, एलिमिनेशन चेंबर मैच। इसलिए दोस्तों मैं आज लेके आया हूँ द गेम ट्रिपल एच को लेकर। द गेम गेम खेलने वाले आज। नंबर वन ट्रिपल एच के सारे अपोनेंट्स लेंगे दोस्तों, जिसमें रोमन तो आते ही है। डेमन प्रिस्ट किधर से आ गया भाई? सेथ रॉलन्स, ट्रिपल एच के सामने ब्रॉक लेसनर भी थे, बहुत ज़्यादा तमाशा करते थे। ट्रिपल एच है तो अंडरटेकर, अरे ये कौन है भाई? अरे अंडरटेकर कैसे नहीं रहेंगे, और ट्रिपल एच है तो एच बी के कैसे नहीं रहेंगे, यानी कि द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स। हाँ थैंक यू, ये वाले शॉन माइकल्स लूँगा मैं, अपने फेवरेट वाले एंट्रेंस ऑफ अरीना एलिमिनेशन चेंबर ही लूंगा मैं, नॉर्मल वाला, उसी में खेलने को ज़्यादा मज़ा आता है। फिनिशर दे दिया जाए, तीन फिनिशर। अच्छा और टाइम कैसे सेट करते यार, एक मिनट ना, टाइम कैसे सेट करते, नहीं दिख रहा यार। हाँ ये दिखा, 30 सेकेंड में सब अंदर आएंगे, ठीक है। 120 सेकेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है, 2 मिनट इतना टाइम कौन वेट करेगा। तो दोस्तों ये सब है ट्रिपल एच के अपोनेंट्स, मुझे पता है बहुत सारे ट्रिपल एच के अपोनेंट है, जिनमें रॉक भी है, स्टोन कोल्ड भी है, बहुत सारे अपोनेंट है भाई ट्रिपल एच के। जॉन सीना भी है, एज है, बिग्शो है, केन है, बहुत सारे अपोनेंट्स है, पर पांच ही ले सकता हूँ, तो मैंने इन्हों को इनको लिया है। ब्रॉक लेसनर को इसीलिए लिया है क्योंकि आपको पता है ब्रॉक ने ट्रिपल एच का हाथ तोड़ा था, तो मैं आज ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर का सर फोड़ूंगा, और अपने भाई आई है डीएक्स रियूनाइटेड, ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स। क्यों शुरू करते हैं यार, मेरे सबसे अच्छे दोस्त क्यों सामने आए? अंडरटेकर के साथ तो ट्रिपल एच का हिस्ट्री आपको पता है, 2 बार रसल मेनिया में खेल चुके हैं। शॉन माइकल्स मेरा दोस्त, देखा कितना जल्दी सुपरस्टार आया, ऐसे होना चाहिए, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा मैच। क्या मतलब है मैं हारूंगा? देखो भाई कौन आ रहा है, किसके पास हिम्मत है द गेम को आने को। आज जीतना ही है भाई, आज कुछ भी करके जीतना है। ओहो बर्न इट डाउन, अथॉरिटी याद है ना, अथॉरिटी तेरे को मैंने बनाया, ये बहुत बड़ा मूव था दोस्तों, बहुत बढ़िया। दोनों मेरे भाई है, किसका साथ दूँ? ट्रिपल एच के साथ, शॉन माइकल के साथ पुराना संबंध है, सेट तो बस स्टाइल मारना है। बहुत बढ़िया, शॉन माइकल डीएक्स रियोनेक्ट करते आज। कौन आ रहा है, मार शॉन माइकल उसको, अरे उसको मारना। ओहो भाई बदला लेने का समय आ चुका है, अगर आपको याद होगा ब्रॉक ने शॉन माइकल का हाथ भी तोड़ा था। शॉन माइकल तेरे को याद नहीं है क्या, हम दोनों का हाथ तोड़ा है इस आदमी ने। देखो ब्रॉक भाई, ब्रॉक जंगली है, पिछला वीडियो भी मैं हारा था इसकी वजह से ही, बीच में आके FI देके चले गए और मैं एलिमिनेट हो गया था, एक FI से सेट का पूरा हेल्थ खा गया ब्रॉक। चलो दोस्तों 6 सुपरस्टार आ जाएंगे। कौन आ रहा है? द हेड ऑफ द टेबल रोमन रिंग्स। देखा दोस्तों पिछला वीडियो जाके देख लो, अभी कभी देखो, पिछले वीडियो में ब्रॉक मार आया था तो रोमन दौड़ के गया था ब्रॉक को मारने, आज रोमन मार आया तो ब्रॉक दौड़ के गया रोमन को मारने। पता नहीं ये लोग का राइवलरी क्या है, गेम में भी नहीं छोड़ रहे ये लोग, कसम से दोस्तों पिछला वीडियो जाके देखो ऐसे ही हुआ था। पिछले वीडियो में ब्रॉक लेसनर बाहर आए थे तो रोमन दौड़ के गया मारने को, और आज रोमन बाहर आया तो ब्रॉक लेसनर दौड़ के गया मारने को। पता नहीं क्या सीन चालू है इनका, इतना गेम में भी इतना खतरनाक राइवलरी। सेल तोड़ना है, अरे रोमन पागल है क्या, मैं सेल तोड़ता अभी, रोमन को खुजली है। देखो अभी भी शॉन माइकल सेट है, ब्रॉक तू ही तोड़ दे, अरे कोई तो तोड़ो, शॉन माइकल इतना अच्छे से सेट है, कोई नहीं तोड़ रहा। अरे यार दोस्तों घान हो चुका है, एक फिनिशर खा लिया ना इतना जल्दी, इस रोमन को ना कसम से मार ही देना चाहिए, मैं क्यों लेता हूँ रोमन को। पिछला वीडियो में भी बीच में आके स्पीयर देके भाग गया था यार, बहुत हेल जाता है यार, क्या बोलेगा, किसी के ऊपर तो मुझे चेंबर तोड़ना ही है, आपको तो पता ही है, हर चेंबर वीडियो में चेंबर नहीं तोड़ूंगा तो
मतलब क्या है? अरे भाई बच गया। ब्रॉक लेसनर तो सेट के पीछे पड़े है। अरे भाई भाई ये रोमन, एक मिनट हाँ, रोमन को क्या दिक्कत है मेरे से? पता है ट्रिपल एच ने करियर खत्म किया था रोमन का बहुत पहले, पर हो गया ना टाइम, आगे बढ़ तो गेम को गेम के अंदर हराएगा। अरे यार सेट गया, सेट गया, ब्रॉक छोड़ दे, एकदम स्टाइल में निकाला है सेट को शॉन माइकल्स ने। अगर आपको पता है तो सेट को ट्रेनिंग शॉन माइकल्स ने दिया था और डेनियल ब्रायन को भी शॉन माइकल ने ट्रेनिंग दिया था। गिलिटीन अंडरटेकर को, अंडरटेकर का हेल्थ खत्म हो चुका है। ब्रॉक, ब्रॉक के पास फिनिशर है? हाँ यार एक फिनिशर है, छीन लिया, ये ले पेडिगिरी। चल ब्रॉक को कुत्ता बना दिया, पेडिगिरी दे दिया। मैंने मैंने कहा था ब्रॉक लेसनर का सिर फोड़ना है मेरे को। यार द गेम फिगर फोर, रिक फ्लेयर और शॉन माइकल्स से ट्रेनिंग। अरे भाई क्या हेल्थ है ब्रॉक का यार, कुछ हुआ ही नहीं ब्रॉक को, लगा मैंने फिनिशर सिग्नेचर दिया, कुछ हेल्थ कम दिख रहा है ब्रॉक का, कुछ भी कम नहीं हुआ भाई, मेरा कुछ इज्जत ही नहीं है मेरे फिनिशर का। शॉन माइकल्स मार रहा है उसको, याद है ना हाथ थोड़ा था मेरा, तेरा भी हाथ थोड़ा था। चलो थोड़ा बॉडी दिखा तो ऑडियंस को, बहुत बढ़िया शॉन माइकल्स, निकल दे निकल दे। अरे छोड़ क्यों दिया, अरे पागल है क्या शॉन माइकल? अंडरटेकर आ जाओ सर, शॉन माइकल मैं संभालता हूँ अंडरटेकर को, पता है हम लोग को बहुत बार हराया रसलमेनिया में, 4-5 बार हराया। अच्छा ठीक है तू लड़ेगा, लड़। अरे धोखा दे रहा है ये तो, किसके ऊपर कूदू? ऊपर चढ़ता हूँ, जो मेरे तरफ आया उसके ऊपर कूद जाऊंगा। मुझे रोमन दिख रहा है, ये ले माँ कसम इसे कहते खुद की कटाना, इतना अच्छा जगह में ऊपर छुपा था। अरे यार कोई एलिमिनेट हो, अभी तक सिर्फ सेट ही एलिमिनेट हुआ है बेचारा। ब्रॉक ने 2 F5 दिया, शॉन माइकल ने सुपर किक तो नहीं कहूंगा मैं उसे, स्विचिंग म्यूजिक कहा जाता है सुपर किक, आज के बच्चे कहते हैं बाप लोग उसे स्विचिंग म्यूजिक कहते थे, क्योंकि स्विचिंग म्यूजिक खाने के बाद सुन हो जाता है एकदम। पानी थूक दिया मैंने ऑडियंस के ऊपर। अरे अच्छा अंडरटेकर आ रहे, आ जाओ सर अंडरटेकर, आपके ऊपर ही चेंबर तोड़ना है। अरे अंडरटेकर के पास एक सिग्नेचर, 3 फिनिशर, बहुत कुछ है। सूटलेक्स दे दिया, अंडरटेकर भी ना कभी भी हेल्थ गेट लगा सकते हैं। ये देखो, अरे बच जा यार, अरे मुझे लगता है मेरा रेजिलियंस ही गया। रेजिलेंसी कहाँ पर है? अरे यार मैं एलिमिनेशन चेंबर क्यों हारता हूँ? एक मिनट यार, ये रोज का हो चुका है इसीलिए मैं एलिमिनेशन चेंबर यूरन आगे दे रहे हैं शॉन माइकल्स में। दोस्तों अपने भाई को जिताऊंगा मैं, खुद हारा तो। ये देखो अंडरटेकर, पहले मुझे टूम्सोन दिया, अभी ब्रॉक लेसनर को OMG मूवमेंट दे दिया। अरे रोमन छोड़ दे, देखो यूरन आगे में यूरन आगे दिए जा रहा है। अंडरटेकर ने ब्रॉक को भी निकाल दिया, अंडरटेकर ने ट्रिपल एच को भी निकाल दिया, और अब रोमन अंडरटेकर को निकालेगा। पता नहीं शॉन माइकल को एक यूरन आगे खा के इतना लेट क्यों गया शॉन माइकल। अभी दोस्तों मैं चेंबर ने तोड़ पाऊंगा, क्योंकि शायद ये नहीं तोड़ेंगे। मेरे पास एक सिग्नेचर है, मुझे बहुत ध्यान से मारना है। पहले रोमन को मुझे हटाना है। अच्छा अंडरटेकर टैप आउट, टैप आउट कर दो सर। नहीं करेंगे टैप आउट, या टैप आउट करेंगे? अरे कर रहे हैं कि नहीं? मैं पिनफॉल करता हूँ, टीम अप रोमन के साथ, 1 2। देखा टीम अप किया था, अरे थोड़ा सांस तो लेने थे मेरे को। ये अच्छी बात है रोमन के पास फिनिशर वगैरह कुछ भी नहीं है अभी। कैचिंग फिनिशर दे सकता हूँ क्या मैं? नहीं,
अरे मैं स्विच इन म्यूजिक, अरे कितना यूरन लागे मारेगा भाई, तीसरा यूरन लागे मारा रोमन ने शॉन माइकल्स को। फिगर फोर, पता है मैं कब हगा, जब मैं ऊपर से कूदा ना ट्रिपल एच बनकर तभी मैं हग गया था। उसके बाद अंडरटेकर ने मुझे एक मौका तक नहीं दिया कुछ करने का भाई। पर मैं चेंबर क्यों हार जाता हूँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, एक चेंबर मैच नहीं जीत पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई, एलिमिनेशन चेंबर में भी बहुत सारे ओएमजी मूवमेंट्स है दोस्तों, जिसमें ये एक था, एक तो सेल तोड़ने का है, सेल नहीं सॉरी चेंबर, एचबीके स्टाइल, रोमन का हेल्थ कुछ कम ही नहीं हो रहा, स्विच इन म्यूजिक मारूंगा मैं एकदम स्टाइल में, ये बात, एक और सीधा पिनफॉल, जीत गया मैं शायद, वन टू और थ्री। अरे अरे भाई ये लोग क्या खा के आते हैं भाई, ये देखो रिवर्स भी कर दिया, कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। सुपरमैन पंच बच गया, पर कब तक बचूंगा, देखो बाहर लेके गया रोमन, अरे डिसाइड कर ले अंदर खेलना है या बाहर खेलना है, पहले बाहर फेंकता है फिर वापस खुद ही अंदर फेंक रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पर रिवर्स किया मैंने, पर क्या हुआ, अगर मैं सच कहूं तो रोमन ने घान किया है, क्योंकि मैं स्टंट था, मुझे फिनिशर मार के जीत सकता था रोमन, पर हग दिया रोमन। मैं भी कौन सा ही कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं भी तो हग ही रहा हूं, एक रिवर्सल नहीं हो रहा मेरे से आज। ट्रिपल एच तो बन के हार चुका हूं, कम से कम शॉन माइकल बन के जीत जाऊं, जीत सकता हूं, जीत सकता हूं, फिनिशर छीन लिया, यस, वन टू, अरे ये क्या है, अरे भाई मुझे माफ कर रोमन, में क्यों आया तेरे मैच में भाई, ये गेम वाला ना, गेम वाला ने चीटिंग करके रखा है भाई, भाई मैं बोल रहा हूँ ना यार, गेम वालों ने चीटिंग करके रखा है गेम में, कुछ तो हरकत किया है गेम वालों ने। मुझे बताओ सबसे पहला वाला जो था स्विच इन म्यूजिक, दो स्विच इन म्यूजिक मैंने साथ में दिए थे रोमन को, ऊपर से कूदा सिग्नेचर भी दिया तो भी किकआउट किया, चलो मानता हूँ, उसके बाद एक और स्विच इन म्यूजिक दिया उसमें भी किकआउट किया, और रोमन के पास रेजिलेंसी नहीं है भाई कसम से, इसके पास मूव थी रेजिलेंसी नहीं है यार, गेम वालों ने पता नहीं क्या बनाया इसको भाई, मैं मान ही नहीं सकता मैं ये मैच हार चुका हूँ। ट्रिपल एच को तो छोड़ो, शॉन माइकल से कैसे हार सकता हूँ भाई, कुछ नहीं कह सकता दोस्तों, मुझे नहीं समझ आता मैं चेंबर में क्यों हार रहा हूँ आजकल, क्या पनौती लगी है मेरे ऊपर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, इतने बुरा हार के लिए सब्सक्राइब तो बनता है आप लोग का, और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।